नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से मलेशिया से रिलेटेड मैंने अपडेट दी नहीं। भाई मलेशिया की अपडेट देना भी क्या है, मलेशिया में कोई खास दम तो रहा नहीं। आप लोगों के साथ क्या न्यूज़ शेयर करें, फ़्लाइट के रिलेटेड है तो लोगों को पता लग ही जाता है, और सबसे कम फ़्लाइटें भी भाई आपके मलेशिया से ही हैं, इतना कुछ है नहीं। आज मेरे पास ये न्यूज़ आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये जो न्यूज़ है फ्लाइट से रिलेटेड, ये कुआलालंपुर इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से डाली गई है। 15 जुलाई को जो प्रेस रिलीज हुआ था उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा, फ्लाइट से रिलेटेड है। तो भाई इतनी ज़्यादा फ्लाइटें देखिए है नहीं, 7 फ्लाइटों का शेड्यूल है 21 जुलाई से 31 जुलाई तक। जी हाँ, 7 फ्लाइटें ही हैं मात्र, ये मान लो जो 7-8 दिन में 7-8 फ्लाइटों का शेड्यूल है। अच्छी बात इसमें यह है कि भाई 7 में फ्लाइटों की रेट 7 में लगा दी कि भाई जैसे दिल्ली के लिए है तो कितना चार्ज लगेगा फ्लाइट में अगर आप आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, 2 मिनट में पूरी डिटेल से बता दूंगा, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सब ये दे रखा है भाई, 5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर पहुँचना पड़ेगा, इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपके पास कॉल आएगा, आप तैयारी करके रखें। जिनके पास कॉल आता है वो भाई टिकट का पैसों का इंतजाम करके रखें। स्पेशल फ्लाइट जो वंदे भारत मिशन 4 के तहत ये फ्लाइटें हैं, कोई चार्टर वगैरह वैसे नहीं है, इंडियन एम्बेसी के द्वारा ये फ्लाइटों का संचालन किया जाएगा। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक का शेड्यूल रहेगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 21 जुलाई को, जी हां साथियों, 21 जुलाई को फ्लाइट है साथियों, बता दूं तिरची के लिए, चेन्नई के लिए भाई हैं। 22 जुलाई की फ्लाइट है साथियों कुआलालंपुर से दिल्ली के लिए, इसका चार्ज भाई बहुत ज्यादा है, 1150 रिंगिट और हम बोल सकते हैं 1150 रिंगिट का, ये मान लीजिए 18 के भाव से भी करते हैं तो लगभग 22,000 के करीब, 23,000 के करीब आपका ये खर्चा इसमें लग जाएगा, 20-22,000। ठीक है, आगे 24 जुलाई की बात करें तो भाई चेन्नई के लिए फ़्लाइट है, 905 रिंगिट का इसका टिकट आएगा। 27 जुलाई की फ़्लाइट बात करें तो हैदराबाद के लिए फ़्लाइट है और चेन्नई के लिए दो फ्लाइटें एक साथ हैं, तो 1160 रुपये हैदराबाद का रिंगिट लगेगा, चेन्नई के लिए 905 रिंगिट टिकट का खर्चा लगेगा। 29 जुलाई को फिर एक फ्लाइट साथियों दिल्ली के लिए, अच्छी बात यह है दिल्ली के लिए है, 1150 रिंगिट आपका टिकट का चार्ज लगेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से जो इंडियन एम्बेसी रियाद कुआलालंपुर की तरफ से न्यूज़ डाली गई है। 31 जुलाई को साथियों बता दूँ बेंगलुरु के लिए फ़्लाइट है, 1160 रिंगिट आपका टिकट का चार्ज लगेगा। कोची के लिए फ़्लाइट है, 960 रिंगिट आपका टिकट का चार्ज लगेगा। तो आप समझ सकते हैं साथियों टिकट का चार्ज इसमें साथ है, दिल्ली का भाई सबसे ज़्यादा चार्ज है, क्योंकि आपको पता है भाई चेन्नई पास में पड़ता है थोड़ा, आपको पता है चेन्नई पास में इसलिए पड़ता है, आपको पता है जितने भी एजेंट हैं सब के सब लोगों को चेन्नई से, कोची से, वहीं से फ़्लाइट करवाते हैं। पंजाब का आदमी भी चेन्नई से फ़्लाइट कर जाता था, आप सबको पता ही है, क्योंकि उस टाइम टिकट आती थी 5,000-6,000 की, यह तो इस टाइम महंगा उभर रहा है टिकट, तो इसीलिए लोग वो थोड़ा नज़दीक है तो टिकट सस्ती है, दिल्ली का थोड़ा राउंड ज़्यादा पड़ जाता है, 5.5 घंटे के करीब का सफ़र है तो इसमें टिकट आपका महंगा पड़ेगा। लगभग आप 18 के करेंसी के भाव से जोड़ते हैं तो लगभग 1150 रुपये की टिकट है, 20-21 हज़ार की आपकी टिकट पड़ जाएगी। तो ठीक है, ज़्यादा महंगी तो नहीं है भाई, इस माहौल के दौरान अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 20,000 में टिकट मिल जाएगी। तो भाई तैयारी कर लीजिए, जिनको आना है, जिनका नंबर आ रहा है तो एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके जैसे भी आपका प्रोसेस रहेगा, जैसे आगे नेक्स्ट कोई न्यूज़ आती है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।